अक्सर हमारे घर में जब ज़्यादा मिठाई होती है तो मावे की मिठाइयाँ बची रह जाती हैं, क्योंकि कुछ ये कच्चे मावे की होती हैं, कोई दूसरी होती है। त्यौहारों पर तो अक्सर ये काम होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इनसे एक स्पेशल मिठाई बनाना, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप चाहे इसे मावा पाक कह लीजिए या मावा कतली कह लीजिए, ये इतनी टेस्टी होती है कि इसे आप एक बार बनाएंगे तो इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे और आपकी बची हुई मिठाई भी वेस्ट नहीं जाएगी। बस इसमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद सारिका। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए मेरे पास ये अलग अलग तरह की बर्फी बची हुई है। इनमें से कोई तो बहुत ज्यादा भुनी हुई मावे की बर्फी है और ये देखिए ये बिल्कुल कच्चे ही मावे की बर्फी है। बच्चे तो इस तरह की मिठाई बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, रसगुल्ले वगैरह तो सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं। तो हम इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप सभी तरह की मिठाई को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और इसको मिक्स कर लें। अब हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसमें आपको तेल या रिफाइंड नहीं डालना है। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको चारों तरफ लगा देंगे ताकि ये चिपके ना। और अब इसमें हम अपनी सारी ये जो टुकड़े हमने तोड़े थे ये सब इसमें डाल देंगे। ये देखिए आँच को बिल्कुल ही धीमा रखना है, हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, वरना तो ये सब कुछ जल जाएगा। धीमी धीमी आँच पर आप इसको इस तरह से धीरे धीरे प्रेस करें ताकि ये सब मेल्ट हो जाए और धीरे धीरे ये भुनता भी रहे। इस काम में आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि अगर आप इसे तेज आंच पर कर देंगे तो ना तो ये अच्छे से मिक्स होगा और ना ही ये अच्छे से भुनेगा। तो इसलिए आपको ये काम थोड़ा पेशेंस से ही करना पड़ेगा। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसको करने में मुझे 3 मिनट लगे हैं और ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब इसमें बिल्कुल गांठे न रहे, इसके लिए हम कोई आलू मैश करने वाला मैशर लेंगे इस तरह का और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई भी गुठली ना रहे। और ये देखिए भुन भी चुका है, आप देखिए कढ़ाई में बिल्कुल घी छोड़ दिया है इसने। और इस तरह से इसको अच्छे से मेल्ट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इसका हलवा सा हो गया है। और अब हम इसको थोड़ा सा और चलाएंगे। अब हम इसको बहुत ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, क्योंकि कच्चापन तो इसका निकल ही गया है। ये देखिए मैंने इसको 1 मिनट के करीब चलाया है और अब आप देखिए इसमें हल्के हल्के से झाग से आने शुरू हो गए हैं। बस यही इसकी पहचान है कि इस स्टेज पर इसको बंद करना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो इसमें थोड़ा सा चीड़पन आ जाएगा और फिर आपका पाक अच्छा नहीं बनेगा। अब इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और अभी कढ़ाई गर्म है तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम चलाते रहेंगे इतना थोड़ा सा कढ़ाई ठंडी हो। और बस अब हम इसको रोक देंगे। और ये देखिए आप इसको एक बार से लेकर देख भी सकते हैं। अब इसको जमाने के लिए हम एक थाली लेंगे और उसमें 1 चम्मच देसी घी लगाएंगे और उसको चारों तरफ से अच्छे तरह से लगा देंगे ताकि इसमें ये बिल्कुल भी चिपके ना। और अब इसमें हम ये अपना पूरा बैटर डाल देंगे। ये देखिए हल्का सा ठंडा भी हो चुका है। और अब इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैला देंगे ताकि हमारी कतली एक सार बने। और इसको 2-3 बार इस तरह से टैप भी कर देंगे जिससे बिल्कुल फैल जाए अच्छे से। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फैल चुकी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें डालें जरूर, क्योंकि इस पे ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने ये काजू और बादाम डाले हैं। मैं हमेशा इस तरह से ग्रेट करके इन्हें फ्रिज में रखती हूँ और जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और अब ये देखिए ये हमारी हल्की हल्की सेट हो चुकी है। और अब इसी स्टेज पर हम इसको काटेंगे। आप अपनी मनपसंद के कोई भी पीस काट सकते हैं। देखिए अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उसका यूज़ करें, उससे बहुत ही जल्दी बर्फ़ी कटती है। ये देखिए कितनी आसानी से और बिल्कुल एक सार पीस हमारे कट जाएंगे। ज़्यादातर कतली के इसी तरह से पीस काटे जाते हैं। अगर आप बाज़ार से काजू कतली भी लाते हैं तो वो भी इसी तरह से पतली पतली
और छोटी छोटी होती है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका मटेरियल ज़्यादा है तो आप उसके लिए बड़ी थाली लें और अगर कम है तो छोटी, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा मोटे पीस अच्छे नहीं लगते। अब आप इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और अगर ज़्यादा जल्दी है तो इसको फ्रिज में रख दें। अब ये देखिए मैंने इसको बाहर ही छोड़ा था और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके साइड के पीस अलग कर लेंगे ताकि हमारे फिनिशिंग वाले पीस निकल कर आएँ, इन्हें हम बाद में खा लेंगे। और इधर से भी ऐसे ही निकाल लेंगे। और ये देखिए अभी मैं आपको पीस निकाल कर दिखाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया हमारे पीस निकल कर आए हैं, बनी है ना बिल्कुल परफेक्ट जैसे काजू कतली होती है। और इसे बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और हमें अपनी पुरानी मिठाई फेंकनी भी नहीं पड़ी। अगर आप चाहें तो आप बाजार से मावा लाकर भी इसे बना सकते हैं। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना इसको भूनना है और किस स्टेज पर इसको बंद करना है। और इसी तरह से हम अपने सारे पीस इसमें से निकाल लेंगे। ये आपको और आपके परिवार को बिल्कुल पसंद आएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हमारी ये बनकर तैयार हुई है। चाहे आप इसे मावा पाक कहिए या मावा कतली कह दीजिए, ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मावा काफ़ी ज़्यादा भून जाता है तो ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती। और वैसे अगर आप कच्चे मावे की मिठाई रखते हैं तो वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वो तो बिल्कुल ना भूलें। मैं सारिका मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय।